हेलो गाइस, साइंस जोन में आपका स्वागत है। मैं आर के पाल आपको साइंस पढ़ाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल पे 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लास का बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो 9th का मैं बायोलॉजी सिर्फ बाकी था शुरू करने में, बाकी सारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एक एक पार्ट सबका आ चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी पार्ट आप देख सकें। तो आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास का। उसमें सबसे पौधा चैप्टर का नाम है आपका कोशिका, सेल चैप्टर का नाम है सेल कोशिका। तो जिस तरह से ये धरती बनी हुई है ना, धरती जिस तरह से धरती बनी हुई है उसी तरह से जीव भी बने होंगे। आप तो कभी सोचे नहीं होंगे इस चीज़ में, लेकिन अगर सोचा जाए देखा जाए तो मेरे माइंड में बात आता है कि आखिर हम बने किसके हैं। जिस तरह से धरती बनी है किसकी बनी है, पेड़ पौधे हैं ये किसके बने हैं। तो ये जितने हैं ना ये बने हैं कोशिका के, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और बने आ रहा है मतलब संरचना हुआ है, संरचनात्मक हुआ है, बनावट हुआ है। ठीक, तो आते हैं पॉइंट पे। आप उसी को सील कहा जाता, तो आते हैं पॉइंट पे, इसका डिफिनेशन जानेंगे क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, सबसे पहले कोशिका जो होता है इसका डिफिनेशन क्या होता है, जीवों के संरचनात्मक, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। लिखा हुआ हूं मैं यहाँ पे, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब यहाँ पे संरचनात्मक का मतलब होता है बनावट, बना हुआ, और क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला, कार्य करने वाला। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, बनावट, बना हुआ, और क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य करने वाला। यानी कोशिका जो होता है ना, एक बनावट होता है और एक कार्य करने वाला इकाई होता है, यूनिट होता है, उसी को कहा जाता है कोशिका। तो जिस तरह से जीव कोशिका का बना होता है, प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है, ठीक उसी तरह से कोशिका भी तो किसी न किसी चीज का बना होगा। तो कोशिका जो होता है ना वो जीव द्रव्य का बना होता है। किसका बना होता है, जीव द्रव्य का। कोशिका जो होता है वो बना होता है जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य कोशिका जीव द्रव्य का बना होता है। तो जीव द्रव्य किसी न किसी चीज का बना होगा। तो ये जीव द्रव्य बनता है कैसे, इसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक क्रिया होती है तो दो तरह से होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक अकार्बनिक, दो तरह से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से जीव द्रव्य मिलकर बनता है, और जीव द्रव्य से कोशिका मिलकर बनता है। तो ये भी तो किसी न किसी चीज से बना होगा। तो ये बना है, इसमें तीन चीजें आती है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, वसा, विटामिन, प्रोटीन, और अकार्बनिक यौगिक में जल, लवण, जल लवण। ये क्या होते हैं, इससे बने होते हैं अकार्बनिक यौगिक। यानी अकार्बनिक जल लवण होता है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये जितने चीज होते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक यही मिल के क्या करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करता है। तो ये जीव द्रव्य किस चीज का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है, सेल का निर्माण करता है। और ये सेल जो होता है ना वो टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक जो होता है वो अंग का। तो ये नेक्स्ट में पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है। इसी तरह से ये जितने हैं ना एक तरह की इकाई, अब ये भी क्या है, ये भी तो एक इकाई है, पोषक तत्व है, पोषण इकाई है, भोजन से प्राप्त होते हैं, ये भी एक तरह की इकाई होते हैं। और इसी से कोशिका का निर्माण होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है सेल के निर्माण में। ओके, अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ गुण है। तो इसके कोशिका के गुण लिखे यहाँ पे, कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूँ मैं इसमें। देखिए कोशिका की, कोशिका होता क्या है, कोशिका अलग अलग, इसमें पहला पॉइंट लिखा हूँ, कोशिका अलग अलग कार्य की होती है। इसमें सबसे छोटी कोशिका 0.1 μm की होती है। कोशिका जो होता है ना ये अलग अलग आकार का होता है, एक तरह का नहीं होता, अलग अलग आकार का होता है। तो उसमें सबसे छोटी कोशिका जो होती है 1 μm के बराबर होती है, 1 μm के बराबर होती है, वो होती है 0.1 μm की होती है ये सबसे छोटी।
एग्जाम्पल में होता है फ्लोरो न्यूमोनिया। न्यूमोनिया सबसे छोटी कोशिका होती है ये फ्लोरो न्यूमोनिया, और इसमें अधिकतम सबसे बड़ी कोशिका जो होती है इतना एमएम के रूप में होती है 117 × 135 mm के रूप में होती है सबसे बड़ी कोशिका। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, तो इसमें एग्जाम्पल में आता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका अंडा जो है ना सबसे बड़ा होता है, इतना एमएम के रेंज में होता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ हूँ उसमें, तथा सबसे लंबी कोशिका, एक चीज और लिखा हुआ हूँ। अब उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, छोटी तो हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और सबसे लंबी कौन होता है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो होता है आपका न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, मनुष्य में पाया जाता है ये गर्दन से लेके और ये कमर तक, ये क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका होता है। यही से मतलब ये ज्वाइंट रहता है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, वो और इसमें विकसित रहता है, माइंड में विकसित रहता है। तो वो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है सबसे बड़ा। ये सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, फ्लोरो न्यूमोनिया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ये चीज याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे होता है। उसके बाद से क्या बात है, उसके बाद से न्यूरॉन होता है, और अब उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। दूसरा पॉइंट है, कोशिका का आकार एवं आकृति जो होता है उसके कार्य के अनुरूप होती है, जैसे कार्य करता है वैसे उसका आकार होता है। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ हूँ अमीबा पैरामीशियम अमीबा, एक मिनट, यहाँ पे सेल, जैसे सेल होता कैसे है, तो ये सेल है, सिंपल सेल है, या ऐसे सेल होता है, ऐसे सेल होता है, ये क्या है, ये सेल है, सेल ऐसे ही होता है, वाकई में सेल जो होता है ऐसे शरीर में होता है, अलग अलग तरह का होता है। ये WBC का है, और ये क्या है, अमीबा का सेल है। तो अमीबा यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये इसकी आकृति और आकार जो होती है ना इसके कार्य के अनुरूप होता है। तो उसी तरह से लिकोसाइट उसी तरह से इसमें WBC लिखा हुआ हूँ, तो WBC मनुष्य में पाया जाता है, हम लोग पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, लिकोसाइट्स। ये क्या करता है ना, ये रक्त को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, रक्त इसमें बनता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है, तो इसको लिकोसाइट्स कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जीव का शरीर जैसे होगा वैसे कोशिका की संख्या क्या होती है, निर्भर करती है। जीव के शरीर के आधार पर संख्या उसका होगा, जीव जैसे होगा उसका आकार जैसे होगा। जैसे अगर छोटा सा गुलाब का पौधा है, मेहंदी का पौधा है, टमाटर का पौधा है, तो इसमें कोशिका की संख्या क्या होगा, कम होगा। उस तरह से अगर बड़े बट वृक्ष में जाते हैं, आम का पौधा हो गया, फिर नारियल का हो गया, तो इसमें क्या होगा, कोशिका की संख्या थोड़ा सा उसके अपेक्षा बढ़ जाएगी। शरीर जैसे होगा जैसे आकार होगा वैसे, उस तरह से जीव में आते हैं तो जीव में मेंढक में क्या होगा, कम होगा। फिर छोटे छोटे जितने बकरी है, गाय है, तो बकरी है तो इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, मेंढक से ज़्यादा होगा, उस तरह से गाय में, उसी तरह से मनुष्य में सबसे ज़्यादा होगा। जितना बड़ा उसी के अनुसार कोशिका की संख्या, जितना छोटा उसके अनुसार कोशिका की संख्या, मतलब आकार पे ही क्या करती है, निर्भर करती है। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो कोशिका की संख्या ज़्यादा, और कम है तो कोशिका की संख्या, ज़्यादा छोटे हैं तो कोशिका की संख्या सबसे कम हो सकती है, होती है। ठीक है, इसको अगर निकालना हो, कोशिका की संख्या निकालना हो, तो एक फॉर्मूला है, जैसे 10^15। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 45 kg का है, तो 45 से 10 × 15 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा कोशिका की संख्या। आप करके देख सकते हैं कि कोशिका कितनी होती है, बहुत ही बारीक होती है, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से तो लगभग नहीं देख सकते हैं। उसको देखते किससे हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका खोज कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा चीज़ पढ़ना है, कैसे इसको देखा जाता है, सारा चीज़ इस चैप्टर में डील करना है, नेक्स्ट पार्ट में डील करूँगा मैं। चौथा पॉइंट है इसमें, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिकाएं विभिन्न रूप की होती है। कोशिका जो होती है क्या होती है, विभिन्न रूप की होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न रूप कहने का मतलब क्या है, कि बहुत से जीव होते हैं जिसमें कोशिका की संख्या एक होता है, बहुत से जीव होते हैं जिसमें कोशिका की संख्या एक से अधिक होता है, और बहुत से जीव होते हैं कि जिसमें कोशिका की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो वही है, कोशिका जो होती है अलग अलग तरह की होती है। तो जिसमें होता क्या है, जिसमें कोशिका एक कोशिका होता है,
उसमें उसे एक उसकी जीव कहा जाता है, एक उसकी जीव कहा जाता है। इसमें कोशिका संख्या एक होगा इसको क्या कहेंगे, कोशिका जीव कहेंगे। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम का कार्य ऐसे होता है चप्पल की आकृति का होता है, चप्पल जैसे होता है ना वैसे पैरामीशियम होता है, चप्पल जैसे होता है पैरामीशियम। ये सब क्या होते हैं, ये कोशिका जीव होते हैं, तो इसका कार्य दोनों का अलग अलग होता है। और उसके बाद से अब एक से अधिक होंगे तो उसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय में तो आप जानते हैं एक से अधिक किस्में किस्में पाया जाएगा, तो एक से अधिक किस्में तो वट वृक्ष मान लीजिए, अगर वृक्ष पौधे में देखते हैं तो वट वृक्ष, उस तरह से मनुष्य हो जाएगा, उसका संख्या इसमें क्या होती है ज्यादा होती है, बहुकोशिकीय जीव होता है, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे, ये सारी चीज क्या होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसमें कोशिका की संख्या अधिक होती है। उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा, एक कोशिकीय जीव जिसमें कोशिका की संख्या एक होती है कोशिकीय जीव, और जिसमें कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा होती है उसे बहुकोशिकीय जीव, एक से अधिक रहेगा। तो इसका इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ना है, इसका खोज कैसे हुआ कोशिका का खोज, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब भी देखे तो अंत तक देखे ताकि कोई पॉइंट आपका छूटे ना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स।